इस तरह ज़रूर भाजी बना के खाएगा, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों नाश्ते में, खाने में बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लास्ट तक के वीडियो में बने रहिएगा। कढ़ाई में मैं 2 चम्मच तेल डाल दिए हूँ, तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं 3 सूखे लाल मिर्च डाल देती हूँ, लाल मिर्च को मैं तोड़ ली थी। लाल मिर्च तड़का लाल हो गया है, इसमें मैं बारीक कटा हुआ बीन्स डाल देती हूँ, इसे बोड़ा भी बोलते हैं दोस्तों। ये घर में मेरे था इसलिए मैं डाल दी हूँ, आप ये नहीं डालेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। आज मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सादा भाजी। यहाँ पे मैं 1/2 किलो आलू ले ली हूँ, आलू को मैं बारीक कट कर ली हूँ, इसे मैं पतले पतले पीस में कट कर ली हूँ। बहुत अच्छा दोस्तों इस तरह बनता है, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अब इसमें मैं दोस्तों डाल देती हूँ 4 बारीक कटा हुआ हरे मिर्च। अब बहुत कम मसाले में बन जाता है ये, ज़्यादा मसाला भी नहीं पड़ता है आलू टमाटर की सादी भाजी में। अब इसमें मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक, इसी गिलास से 1.5 गिलास पानी। अब इन सभी को अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। अब दोस्तों मैं ढक्कन लगा देती हूँ ताकि आलू भी जल्दी गल जाए। ढक्कन को अब मैं हटा देती हूँ, 2 मिनट के बाद में पानी सूखना स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, आलू को मैं चेक कर लेती हूँ, आलू अच्छे से गल गया है दोस्तों। मैं आलू काटी थी तब पानी में रखी थी, इसलिए आलू जल्दी गल जाता है। आलू जब गल जाए तो इसमें हम डालेंगे 3 बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि आलू और टमाटर की सादा भाजी है, ये बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं 1 मिनट के लिए ढक दी थी, ढकने से टमाटर जल्दी गल जाता है। इसको मैं चला देती हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है, तेल साइड से छोड़ दिया है, सब्जी अच्छे से पक गया है। इसमें मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ, आप दाल चावल के साथ रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं नाश्ते में आज बनाई हूँ आलू टमाटर की सादा भाजी, उसके साथ में मैं बनाऊँगी रोटी। सब्जी हो गया है, गैस को मैं बंद कर दी हूँ, तवा रख दी हूँ, गरम हो गया है। इसमें मैं रोटी को डाल देती हूँ। रोटी में दोस्तों बना रही हूँ गेहूँ का और मैदे का आटे का मिक्स है ये। इसको मैं पलट देती हूँ एक तरफ जब हल्का हो जाए। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच तेल डाल देती हूँ, बहुत कम तेल में बनता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा तेल भी नहीं डालूँगी इसमें, बहुत कम तेल डालूंगी, आप देख सकते हैं ये 1 छोटा चम्मच है। दोनों तरफ अच्छे से मैं लगा देती हूँ, दोनों तरफ अच्छे से मैं रोटी को भी पका लेती हूँ। इस तरह ज़रूर एक बार बना के खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है मेरे तरीके से। रोटी को मैं दोनों तरफ अच्छे से पका ली हूँ, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और मैं दूसरी रोटी डाल देती हूँ। इसी तरह मैं ये भी रोटी को तेल लगा के दोनों तरफ अच्छे से उलट पलट के मैं पका लेती हूँ। ये भी रोटी हो गया दोस्तों, इसको मैं निकाल लेती हूँ। लीजिए दोस्तों, आज मैं बनाई हूँ नाश्ते में आलू टमाटर की सादा भाजी, उसके साथ में है रोटी। ये तरकारी का पुलाव है, उसके साथ में है आम। आम का सीजन है दोस्तों, ज़रूर आम खाना चाहिए। दोस्तों नाश्ता बनके तैयार है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर